हेलो गाइस, आप लोग देख रहे हैं टेक्निकल मशीन और मेरा नाम है दोस्तों शुभम सहनी। आज मैं आप लोग को जो मिलने वाली है वो यूरोपा लॉक के बारे में जानकारी मिले दोस्तों। इसमें क्या क्या चीजें हैं मैं इसको अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ। तो अगर जो दोस्तों आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अगर जो आपको अच्छी लगे तो प्लीज आप वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और दिखाता हूँ मैं आपको कि इसमें इस लॉक में इस बॉक्स में आपको क्या क्या है। तो मैं इसको अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ, देख रहे हैं आप लोग इतना अच्छा इसका पैकिंग किया हुआ है एक नंबर का। और यहाँ पर आप लोग देखिए ये इसका कार्ड है, इसमें लॉकिंग का है, जो जितने प्रकार के लॉक होते हैं आप लोग को दिखाई दे रहा होगा, इसका वारंटी कार्ड है। ठीक है, तो मैं आप लोग को दिखाता हूँ आगे नेक्स्ट में। चलिए इसको हटा देते हैं और मैं इसको अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ, देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। वाओ, देखिए दोस्तों ये चीज़ें हैं, आप लोगों को मैं दिखा दे रहा हूँ इसका क्या क्या चीज़ें हैं। ये सबसे पहले आपको रिंग दिखाई दे रही है, जो मतलब कि वो आपके बैलर में लगता है, और इसमें स्क्रूज होंगे, स्क्रूज हैं, और इसके बैक साइड का है, और ये आपका की है। इसमें तीन तीन की है, आप लोगों को चाबी दिखाई दे रही होगी। और ये क्या है, ये तो सबसे अलग आपका की है। इसमें मतलब आप लोगों को दोस्तों इसमें देखिए इसमें लाइट भी जलता है, सबसे अलग की है, इसमें देखिए लाइट जल रहा है। ये इसमें इस तरीके इसलिए दिया गया है क्योंकि इसमें अगर कहीं कहीं ऐसा होता है कि हमारा दरवाज़ा या सेफ्टी डोर हमारा अंधेरे में रहता है और उसको खोलने के लिए हमारा मतलब कि चाबी को डालना बहुत ही ज़रूरी होता है, तो ये चीज़ें नहीं दिखाई देता है, तो इसके लिए इसमें टॉर्च जलता है। देख रहे हैं इसमें मतलब कि हम बैटरी भी लगा सकते हैं और इसको चालू अगर जो ख़त्म हो जाता है तो इसमें बैटरी भी लगा सकते हैं, बाकी इसको चालू भी कर सकते हैं। चलिए दोस्तों इसमें ये तीन अलग से चार चाबियाँ हैं और ये आपका बैलर है और ये आपका रहा लैच, रिवोल्ट लैच इसको हम बोलेंगे। ये फोर्थ जनरेशन का दोस्तों आप लोग का लैच है और ये IFBM करके इसको मतलब कि टेक्नोलॉजी ने इसको बनाया है। देखिए दोस्तों कितना अच्छा है इसका लैच, लॉकिंग सिस्टम है इसका, देख रहे हैं आप लोग रिवोल्ट लैच इसको बोलते हैं। ये ऑटोमेटिक है, ये अपने आप से अंदर बाहर जाता है। इसको हम लॉक करने के लिए अगर जो हमको अंदर रखना है सिस्टम में कैसे इसको बैठाना है, कैसे नहीं बैठाना है, सारी चीज़ें देखेंगे। इसमें जो फ्रेम पे इसका और लॉकिंग से सिस्टम बैठाया जाएगा वो है इसमें, इसमें मतलब लॉकिंग कैसे हम लोग को बैठाना है ये इसका ड्राइंग है। इसमें कैसे बैठाना रहता है, कैसे क्या सारी चीज़ें दी हुई थी, कितने का होल्ड करना है, किस तरीके से आपको बैठाना है। तो नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम आप लोगों को बताएंगे कि इसको किस तरीके से लॉक को हम इसको फिटिंग करेंगे, किस तरीके से लगाएंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बताएंगे। तब तक के लिए इतना ही दोस्तों, और बाकी करता हूँ उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को दोस्तों वीडियो अच्छी लगेगी।